नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज हम सभी बात करेंगे बबूल से संबंधित फायदों के बारे में। बबूल का पेड़ लोग अपने खेतों के किनारे या बाग बगीचे के किनारे लगाते हैं, क्योंकि इस पेड़ में कांटे होते हैं, इसीलिए यह पेड़ दूसरे लोगों, जानवरों और चोरों से आपके खेत और बगीचे की रक्षा करता है। लेकिन यह बबूल का पेड़ औषधीय गुणों की खान है। आइए हम जानते हैं इसके कुछ एक फायदों के बारे में। बबूल को आम बोलचाल में बबूल, बबूर, कीकर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसका पेड़ कांटों से भरा होता है, लेकिन इसके बावजूद यह गुणों की खान है। इस पेड़ की मुलायम टहनियों को घरों में दातुन बनाकर प्रयोग किया जाता है। बबूल से न केवल दांत साफ रहते हैं, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। बबूल कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है। इसकी गूंद पित्त और वात का नाश करने वाला होता है। बबूल के पत्ते, छाल और गूंद तीनों ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। बबूल जलन को दूर करने वाला, घाव को भरने वाला और रक्त शोधक है, तो इसीलिए हम आज इसके फायदों के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये डायरिया रोग को दूर करता है। बबूल के अलग अलग भाग डायरिया को दूर करने में मदद करते हैं। बबूल की ताजी पत्तियों को सफ़ेद और काले जीरे के साथ पीसकर 12 ग्राम दिन में 3 बार खाने से डायरिया ठीक हो जाता है। इसी तरह इसकी छाल से बने काढ़े को दिन में 3 बार पीने से भी फायदा होता है। दांतों की अगर आपको परेशानी है तो रोजाना बबूल के छाल को दातुन बनाकर चबाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे मसूड़ों की सड़न और दांतों से खून आना दूर होता है। इससे गंदे दांतों को भी साफ किया जा सकता है। आप दांतों को साफ करने के लिए 60 ग्राम बबूल का कोयला, 24 ग्राम रोस्ट की हुई फिटकरी यानी कि 24 ग्राम आपको रोस्ट की हुई फिटकरी चाहिए होगी और 12 ग्राम यानी कि 12 ग्राम आपको काला नमक चाहिए होगा। इसको मिक्स करके मंजन बना लीजिए। इससे अपने दांतों की सफाई कीजिए, आपको दांत से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हुई नज़र आएंगी। अगर आपको एक्जिमा है तो 25 ग्राम बबूल की छाल और आम की छाल को 1 लीटर पानी में उबालकर एक्जिमा वाले जगह की भाप से सिकाई करें। सिकाई के बाद उस भाग पर बाद में घी लगा दें। इसके अलावा बबूल के पत्तों को पीसकर एक्जिमा वाले स्किन पर लगाने से बीमारी में लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बबूल की छाल का गर्म काढ़ा बनाइए और उसमें काला नमक मिलाकर गर्म कीजिए। इससे टॉन्सिल्स तुरंत ठीक हो जाता है। आँख आने पर रात को सोने से पहले जिस आँख में आपको आँख आई हुई हो, आँखों पर बबूल के ताजे पत्ते पीसकर लगा लीजिए और इसे किसी साफ कपड़े से बांध दीजिए। दूसरी सुबह आँखों से लालिमा और दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी आँखें स्वस्थ हो जाएंगी। आँखों से अगर पानी आ रहा हो तो 250 ग्राम बबूल की पत्तियों को पानी में तब तक उबालिए जब तक पानी 1/4 नहीं रह जाता है। फिर इस पानी को एक साफ पानी के साथ किसी बर्तन में भर लीजिए। इसके बाद आप सुबह शाम अपनी आँखों के पलकों को इससे धोइए, आपको लाभ होगा। अगर आप लिकोरिया के शिकार हो गए हैं तो इस रोग को ठीक करने के लिए बबूल की छाल का प्रयोग किया जाता है। बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर आप प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। खांसी में भी ये बेहद ही लाभदायक है। बबूल की मुलायम पत्तियों को पानी में उबालकर दिन में 3 बार पीने से खांसी और सीने का दर्द ठीक हो जाता है। आप चाहें तो बबूल की गूंद को मुँह में रखकर चूस सकते हैं। चोट लगने या जलने पर बबूल की पत्तियों को घाव लगने, जलने या चोट लगने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह दाग लगने से रोकता है। बबूल की पत्तियों को पीस कर लगाएं, आपको लाभ होगा। इसके अलावा बबूल के पत्तों के अलावा इसकी गूंद और छाल भी बहुत ही फायदेमंद होती है। बबूल कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है और इसकी गूंद में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के अलावा अरबिक एसिड होता है। बबूल के पेड़ की छाल और पत्तियों में टैनिन और गैलिक नामक एसिड होता है, जिसके कारण इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। यह जलन को दूर करने वाला, घाव को भरने वाला और रक्त शोधक है। आइए इसके कुछ एक और अन्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जान लेते हैं हम। बबूल की छाल को एक्जिमा के उपचार के लिए कारगर माना जाता है और इसकी गूंद
त्वचा की जलन को दूर करने में भी लाभकारी है। इसके अलावा बबूल के पत्तों से बना पेस्ट त्वचा पर लगाने से संक्रमण और चकते की समस्या दूर करने में मदद मिलती है। आपकी स्किन के प्रॉब्लम को ये दूर करता है। इसके अलावा हमने आपको खांसी को बताया था कि खांसी हुई है तो भी आपको ये कैसे लाभ देता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बीमारी के संक्रमण से ग्रसित हैं तो बबूल की पत्तियां और छाल दोनों में ही व्यापक रूप से खून को बहने से रोकने और संक्रमण को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसका घाव कटने और चोट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा पसीना आने की समस्या है, आपके शरीर से बहुत पसीना आता है और आप पोंछ कर बेहाल हो गए हैं तो बबूल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए बबूल की पत्तियां पीसकर पूरे शरीर पर मस लें और फिर थोड़ी देर बाद स्नान कर लें। थोड़े दिन ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पसीना आना बंद हो जाएगा। अगर आपको बिस्तर पर पेशाब करने की आदत है, छोटे बच्चे अक्सर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, इस समस्या से बचने के लिए बबूल की कच्ची फलियों को छाया में सुखाकर घी में भूनकर उसमें मिश्री मिलाकर 4-4 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गर्म दूध के साथ बच्चों को देने से बिस्तर पर पेशाब निकलना बंद हो जाता है। मोटापा को कम करने में भी ये बेहद ही कारगर साबित होता है। मोटापा कम करने के लिए आमतौर पर हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है बबूल के पत्तों का इस्तेमाल। इसके लिए बबूल के पत्तों को पानी के साथ पीसकर शरीर पर लगाने से मोटापे को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा ये पीरियड्स में होने वाले रक्तस्राव को दूर करता है। कई महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इस तरह की समस्या होने पर बबूल के गूंद को घी में भूनकर पीस लें। इसमें बराबर वजन में असली सोना गेरू पीसकर मिलाकर 3 बार छानकर शीशी में भर लें। पीरियड्स के दौरान सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण ताजे पानी के साथ लेने से अधिक मात्रा में स्त्राव होना बंद हो जाता है। बबूल के पौधे की पत्तियां आँखों से अतिरिक्त पानी की समस्या का उपचार करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आँखों की लालिमा और कंजिवाइटिस के कारण आँखों में सूजन को कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंह स्वास्थ्य के लिए लोकप्रिय है ये, जी हाँ। इसके अलावा डायरिया के लिए हमने आपको बताया है। आप इन उपायों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बबूल के फायदे उठा करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बबूल के फायदों से जुड़ी हुई। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।